गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लेसन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में। इस चैप्टर में एक केस स्टडी दी गई है जो कि साउथ अफ्रीका से है। तो साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से रंगभेद की पॉलिसी के द्वारा किस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन किया गया, NAC के नेतृत्व में किस प्रकार से वहाँ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रगल लड़ा गया, और नेशनल मंडेला के नेतृत्व में किस प्रकार से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन रीडिज़ाइन साउथ अफ्रीका में किया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कंसेप्ट के आधार पर। तो ये पूरी केस स्टडी है। इस केस स्टडी के बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंसी क्या होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। एपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एंड इन्फेरियर्स, द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, वहाँ पर गोरे लोगों का शासन था, अर्थात ब्रिटिश जो लोग थे वो वहाँ पर शासन कर रहे थे, और जो नॉन वाइट्स थे उनको वहाँ कोई वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था। उनके साथ में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो रहा था, अर्थात वहाँ पर उनके को किसी भी प्रकार की जो इक्वलिटी राइट है वो नहीं मिला हुआ था। इन एपार्थाइड सिस्टम जो था, वहाँ रंगभेद पर आधारित जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था के कुछ प्रोविजंस थे वो इस प्रकार थे। द ब्लैक्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, अर्थात जो ब्लैक पर्सन्स थे वो वाइट एरियाज में, वाइट पर्सन जहाँ रहते थे वहाँ नहीं जा सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट, और वाइट एरियाज में उन लोगों को काम करने के लिए जाने के लिए भी परमिट की आवश्यकता होती थी। ऑल पब्लिक फैसिलिटीज लाइक रोड एंड अदर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन अदर फैसिलिटीज, ऑल पब्लिक फैसिलिटीज वर सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो सारी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी वो वाइट्स और ब्लैक्स के लिए अलग अलग थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रेशन, और इस जो पब्लिक फैसिलिटीज़ में जिस प्रकार से जो डिफरेंसेस था, क्लासिफिकेशन था, उसके लिए सेग्रीग्रेशन टर्म यूज की गई है। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टेराइबल ट्रीटमेंट। ब्लैक्स जो लोग थे साउथ अफ्रीका की, जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो ब्लैक्स थी, उनके पास में अपने अधिकारों के लिए या अपने शोषण के खिलाफ किसी प्रकार का प्रोटेक्ट करने का राइट नहीं था, ना ही कोई एसोसिएशन वो लोग फॉर्म कर सकते थे। ANC द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फुल फॉर्म ऑफ ANC, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। एपार्थाइड सिस्टम के तहत साउथ अफ्रीका में जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक पर्सन्स का हो रहा था, ब्लैक
कलर्ड कम्युनिटी का हो रहा था, उस आधार का विरोध करने के लिए साउथ अफ्रीका कंट्री में नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में ANC के द्वारा आंदोलन चलाया गया और जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज थी उनका विरोध किया गया। मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन विद ANC लीडरशिप। ANC की लीडरशिप में कई वर्कर्स जो यूनियंस थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने उन्होंने आंदोलन चलाया और आखिरकार अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीका कंट्री में जो गोरे लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, और जो ANC के लोग हैं, इन दोनों पार्टियों के लोग साथ बैठे और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग पर वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि गोरे लोगों के लिए भी वहाँ पर शासन चलाया जाना संभव नहीं रहा था। इन स्थितियों में आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल द पार्टी दैट रोल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटली किल्ड एंड पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फाइनली 26 अप्रैल 1994 द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, और 26 अप्रैल 1994 को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया। कॉन्स्टिट्यूशन अब हम देखते हैं डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ बेसिक एंड रिटन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फंडामेंटल रूल्स, सुप्रीम रूल्स ऑफ एनी कंट्री, और ये कहें कि बेसिक रूल्स होते हैं जो कि रिटन होते हैं और दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री, जो कि वहाँ रहने वाले सभी लोगों को एक्सेप्टेबल भी होते हैं। उन रूल्स को हम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। फंडामेंटल फ्यूचर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल फ्यूचर्स अर्थात क्या कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताएं होती है, उन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है किस प्रकार से भविष्य में शासकों का चयन किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा। डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, और जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी उस गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स होंगे, अर्थात वो क्या काम कर पाएगी और कौन से काम ऐसे होंगे जो उसे नहीं करने होंगे। डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, उस देश में रहने वाले सभी लोग जो वहाँ के सिटीजन कहलाते हैं उन सब के क्या राइट्स होंगे। विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली, और जो विनिंग पार्टी होगी, विनिंग गवर्नमेंट होगी, वो बेसिक जो फंडामेंटल थिंग्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिक फीचर्स है, उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएगी। इस तरह के प्रोविजंस भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक है व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें आवश्यकता क्यों होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ज़रूरी है, ट्रस्ट जो है डेवलप करने के लिए ज़रूरी है सभी लोगों में, वहाँ के रहने वालों में। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, इसमें ये वर्णन होता है किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो रन करेगी। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट,
इसमें के माध्यम से लिमिट्स पावर जो है गवर्नमेंट की वो निर्धारित की जाती हैं कि गवर्नमेंट्स की क्या लिमिट्स होंगी, इनका वर्णन होता है। इट लेज डाउन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, सिटीजन्स के राइट्स इसमें लिखे हुए होते हैं। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, और इसमें ये भी अपेक्षा की जाती है कि एक अच्छे समाज के लिए लोगों को किस प्रकार के वर्क करने चाहिए। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस चैप्टर का। इसके बारे में और विस्तार से आगे अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को ये लेसन अपनी टेक्स्ट बुक से अच्छे से रीड करना है, और यदि कहीं कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो वो मैसेज के माध्यम से मुझे सेंड करने हैं।